नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा, और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से, जहां पर आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरे पर रही। हेलीपैड पर चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, प्रभारी मंत्री राजकुमार रेणवास, जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने उनका स्वागत किया। सीएम राजे ने यहां पर अन्नपूर्णा रसोई योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया। सीएम यहां पर विभिन्न समुदाय के लोगों से उन्होंने संवाद किया। सीएम सबसे पहले जाट समुदाय से मुलाकात उन्होंने की। अजमेर के पुष्कर में निकटवर्ती ग्राम पंचायत कड़ेल में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने करीब 15 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़कों नाड़ी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत खुद श्रमदान कर की। भरतपुर के नदबई में कस्बे के सेठ कलीराम आदर्श विद्या मंदिर में 2 महामाशाओं द्वारा कराए गए कमरों का उद्घाटन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक मंत्री कालीचरण सराफ के मुख्य आतिथ्य में किया गया। मंत्री सराफ का रेलवे फाटक स्थित अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे, यहां पर अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया गया। भरतपुर के डी पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्थल पर सेना और प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यक्रम विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भरतपुर के नदबई में रेलवे स्टेशन का आगरा मंडल के DRM रंजन यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्टेशन की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को देखकर DRM खुश नजर आए। DRM ने 2000 रुपए का अवार्ड देकर स्टेशन अधीक्षक को पुरस्कृत किया। वहीं कस्बे के दैनिक यात्री संघ द्वारा DRM का माला पहनाकर और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। जालौर के सांचौर पुलिस ने युवक पर फायरिंग के मामले का 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सांचौर थाना अधिकारी सुखराम विश्नोई ने बताया कि देर रात में 3 बदमाशों ने सब्जी मंडी में युवक पर फायरिंग की। इसमें युवक बाल बाल बच गया। मामले में पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने फायरिंग करना कबूल कर लिया। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा पटवार संघ उपशाखे के नेतृत्व में भादरा के पटवारियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्वा पर पटवारियों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करने के आरोप लगाए। भादरा पटवार संघ दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठा रहा। भीलवाड़ा के रायला में ठंड के साथ ही एक खेत में लहलहाती सरसों की फसल तथा पीले रंग से लहलहाती हुई फूल। इस बार पानी की कमी के कारण क्षेत्र में सरसों तथा रबी की फसल बहुत ही कम हुई है। इस कारण अधिकतर खेत खाली पड़े हुए हैं। वहीं अधिकतर पानी के स्रोत में कमी के कारण किसानों के द्वारा रबी की फसल की बुआई कम हो सकी थी। भीलवाड़ा के रायला में ईरान में 60 लाख की लागत से 1 किलोमीटर लंबी गौरवमय सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया। जहां पर सड़क निर्माण तो पूरा हो गया, पर वहीं नालियों का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क के किनारे जमा हो रहा है। मामले से कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भीलवाड़ा के रायला में अजमेर हाईवे पर बीती रात अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। भीलवाड़ा के रायला में राजस्थान आजीविका विकास परिषद के स्वयं सहायता समूह के द्वारा गाय भैंस बकरी आदि पालतू पशुओं का कैंप लगाया गया। कैंप में अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए पालतू पशुओं को टीका लगाया गया, जहां पर 290 बकरियों की टीका लगाया गया और बधियाकरण तथा दिव्यमिर्ग करवाया गया। राजसमंद के देवगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर चोरों ने रात को एक दुकान से 40,000 का माल चोरी कर लिया। वहीं बाहर लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। राजसमंद के देवगढ़ में शास्त्री नगर वार्ड में गंदे पानी की निकासी से वार्डवासी काफी परेशान है। वहीं गंदे पानी से मच्छरों का आतंक भी बना हुआ है। कई बार नगर पालिका को कहने के बावजूद भी नाले को सुचारू रूप से चालू नहीं करवाया गया, जिसके बाद वार्डवासियों ने SDM को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द नाला ठीक कराने की मांग की। राजसमंद के देवगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने तहसीलदार हरिंदर सिंह को शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राजसमंद के अफराजुल शेख के मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कराने की मांग करते हुए ये ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण का उद्घाटन राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने किया। बाड़मेर के बालोतरा में कुम्हारों के चौक में कपड़े की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिसके कारण पूरा माल जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान भी हो गया।
वहीं घटना की जानकारी पर 3 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के समदड़ी में देवलियारी सरहद पर अचानक पैंथर आ गया। पैंथर ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद जोधपुर के वन्यजीव संरक्षण की टीम को इसकी सूचना दी गई। टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। वहीं रेस्क्यू के दौरान पैंथर ने घबराकर 4 अन्य व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पैंथर के आने से आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। सीकर के लोसल में सीकर डीडवाना स्टेट हाईवे पर बस स्टैंड के पास सड़क पर गंदे पानी के भराव की निकासी की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि सड़क पर पानी के भराव के कारण आवागमन में परेशानी के साथ ही व्यापार प्रभावित हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पूर्व पालिका अध्यक्ष गोविंद राम बिजरानिया की अगुवाई में हुई वार्ता के दौरान 15 दिन में पानी निकासी के लिए DPR तैयार करवाने का आश्वासन दिया गया। पाली की रानी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन प्रमाणीकरण शिविर पंचायत समिति परिसर में आयोजित किया गया। शिविर में निःशक्तता, कम दृष्टि, बहरापन संबंधी विशेष योग्यजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में काजीपुरा मोहल्ले में रेलवे कॉरिडोर DFC के अंतर्गत व रेलवे कॉरिडोर के मध्य आने से पुराने शीतला माता मंदिर को अन्यत्र स्थान पर रेलवे द्वारा बनाया जाएगा। इसको लेकर नवनिर्मित शीतला माता मंदिर की नींव वार्ड पंच मोहल्ले वासियों ने पंडित जी के सानिध्य में भूमि पूजन किया। पाली के मावड़ जंक्शन में साक्षर भारत मिशन के तहत झांझरिया हनुमान मंदिर में नव साक्षरों का सम्मेलन प्रधान सुमेर सिंह कुंभावत के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा महिला जिलाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित और उपाध्यक्ष रेखा जैन ने नव साक्षरों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर प्रवेश कर स्वागत किया। राजसमंद के देवगढ़ में बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव को लेकर बाल भवन में बैठक रखी गई, जिसमें कि सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव अधिकारी तरुण मेवाड़ा, एडवोकेट व सह प्रभारी फतेहराम बेघर को नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी करो मेवाड़ा एडवोकेट ने बताया कि देवगढ़ बार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकालय सचिव का चुनाव प्रक्रिया मतगणना 20 तारीख को 1 बजे शुरू की जाएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्राम गौरक्षा समिति के संयोजक डॉक्टर एनके सोनी ने बताया कि डॉक्टर अलका गुप्ता भीलवाड़ा के निर्देशन में पशु चिकित्सालय में 11 देशी नस्ल के बैलों की नसबंदी की गई। भीलवाड़ा के मांडल में पुलिस ने तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 22 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। सीकर के रिंगस में सर्दी के सितम के बावजूद अभी तक नगर पालिका ने एक भी रैन बसेरा शुरू नहीं किया, जिसके चलते राहगीरों और आम लोगों को सर्दी के सितम से दोचार होना पड़ रहा है। शहर में सालों से नगर पालिका के पास भैरूजी मोड़, बीकानेर बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर रैन बसेरे लगाए जाते थे, लेकिन इस बार पालिका ने इस ओर आंखें मूंद ली है। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ठाणी की खबरों का। खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर मेगा हाईवे पर बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टकरा गया, जिससे कि बाइक सवार की मौत हो गई। घटना कालूड़ी गांव के पास की है। पाली के सुमेरपुर के राजकीय मेहता चिकित्सालय सभागार में उपखंड क्षेत्र के आदर्श उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक SDM विनोद कुमार मल्होत्रा के सानिध्य में हुई। बैठक में BEO पर्वत सिंह राठौर ने पूर्व बैठक की समीक्षा विभिन्न बिंदुओं के आधार पर की और शेष रहे कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। BEO राठौर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलूपुरा गोगड़ा, कोटा एवं देवतरा में अतिरिक्त कक्षा कक्षों को रमसा और भामाशाहों के सहयोग से निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रनिया देशपुर में अतिथियों ने कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की। प्रधानाचार्य ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार में महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। इसे दूर दराज ढाणी और आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी नहीं आएगी।
जोधपुर के भलौदी में लोहावट के शहीद बीरबल राम खीचड़ स्मृति मेला स्थल पर 6 दिवसीय नानी बाई का मायरा के कार्यक्रम को लेकर बाप जांबा सुरपुरा मंडोर सहित गांवों में विमोचन और प्रचार प्रसार किया गया। जोधपुर के लूणी में पुलिस के अनुसार झवर थाना का स्पेशीटर श्रवण, जो कि अफीम डोडा पोस्ट का कुख्यात तस्कर है, जो न्यायालय से जारी 2 स्टैंडिंग वारंट तथा अन्य वारंट में वांछित था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से डोडा पोस्ट के नेटवर्क और वाहन चोरी की गैंग के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। नागौर के मिर्जा सिटी में ग्राम डांगावास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को खाद्य सुरक्षा योजना में विभिन्न परिवारों को जोड़ने को लेकर आग्रह किया, जिसके चलते अनेक फॉर्म भरकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, सभी फॉर्म एसडीएम को सौंपे गए। ओम कमेडिया ने बताया कि गांव में कई बार खाद्य सुरक्षा योजना को जोड़ने को लेकर शिविर लगाए गए, लेकिन फिर अनेक परिवारों को इस खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रखा गया। बार बार आवेदन करने के बावजूद भी उनको नहीं जोड़ा गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर और किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल जाट के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनगर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन ने लिखा कि जारी अधिसूचना के तहत किसानों को उनकी उपज के विक्रय के बदले व्यापारियों को 2 लाख रुपए तक का भुगतान नगद रूप में किए जाने के निर्देश कृषि उपज मंडियों को जारी किए गए थे, लेकिन उपज मंडियों में उन निर्देशों की पालना आज तक भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है और किसानों को उनकी उपज का नगद भुगतान करने के स्थान पर कुछ व्यापारियों द्वारा पोस्ट डेटेड चेक दिए जा रहे हैं। नागौर के पर्वत सर में बिदियाद में चोरों ने एटीएम चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा के फूलियाकला में हाईवे निर्माण के दौरान कब्रिस्तान की दीवार तोड़ दी गई, जिसके विरोध में समुदाय विशेष के लोगों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम को खुलवाया गया। अलवर के राजगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के 3रे चरण में विधायक ने एनिकट कार्य का उद्घाटन किया। कुटेटा कला ग्राम पंचायत के देवबनी गुजरवास में 2 एनिकट का एमएलए ज्ञानदेव आहूजा ने उद्घाटन किया। आहूजा ने कहा कि राज्य में कई वर्षों से कम बारिश के कारण नदियां जहां सूख चुकी है, वहीं जमीन के अंदर का जलस्तर भी चिंतित करने वाली स्थिति तक पहुंच गया है। ऐसे में राज्य की वसुंधरा सरकार ने जमीनी जल स्तर को सही करने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना को चलाया है। इस योजना का भरपूर लाभ पाने के लिए एक एक पैसे को सही जगह पर लगाया जाए। अलवर के रामगढ़ में नगर परिषद सभापति द्वारा भगवान परशुराम का अपमान करने पर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। तहसील परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही नगर परिषद सभापति को शीघ्र ही बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ तहसीलदार को सौंपा गया। वहीं सभापति को बर्खास्तगी नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। कोटा के इटावा में नगर पालिका ईओ नरपत सिंह ने आस्था महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं को सरकार के स्वच्छता मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ऐप को डाउनलोड करवाया। ईओ ने बताया कि स्वच्छता ऐप पर नगर के किसी भी स्थान पर फैली गंदगी और सड़क पर फैले कचरे का फोटो अपलोड किया जा सकता है, ताकि पालिका द्वारा समय पर समस्याओं का समाधान हो सके। जालोर के बागोड़ा कस्बे के आशापुरा माताजी मंदिर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र पर 1 महीने से ताला लटका हुआ है। आंगनबाड़ी में केंद्र पर महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं महज रजिस्टर्स में ही मिल पा रही है। कहने को तो यहां पर उपखंड और तहसील प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को सरकारी योजना से लोगों को लाभान्वित होने या न होने से कोई भी सरोकार नहीं। उपखंड कार्यालय से महज 20 फीट की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने में किसी को फुर्सत नहीं है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। भरतपुर के वैर में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल बिजली की समस्याओं को लेकर सहायक अभियंता से मिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली का लोड बढ़ाए जाने और गोठा फीडर की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। सहायक अभियंता बीएल गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिजली की समस्या से अवगत करवाया गया। यहां पर 5 किलोवाट कनेक्शन है, जिससे कि स्वास्थ्य केंद्र में लगी जांच की मशीनें सही तरह से नहीं चल पाती हैं। वहीं सीएचसी में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की मांग की गई। गोठा फीडर की वजह से कस्बे में हो रही आए दिन कटौती से निजात दिलाने की मांग रखी गई। कोटा के इटावा में सब्जी मंडी परिसर और नवीन बस स्टैंड पर बने आधुनिक शौचालय पर नियुक्त कर्मी दिन भर नशे में धुत रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सदैव गंदगी रहती है। यहाँ आने वाले लोगों ने बताया कि शौचालय पर नियुक्त कर्मी आमजन के साथ अभद्रता भी करते हैं, मगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अजमेर के भिस्सांगन में मांगलियावास रोड से तहसील तक वाया बस स्टैंड चौराहा सड़क निर्माण का कार्य जोरों से जारी है।
गड्ढों में तब्दील सड़क की सुध देने से वाहन चालकों और राहगीरों को राहत मिल पाएगी। ये निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। अजमेर के नसीराबाद में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी के चलते चुनाव प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने ग्राम मोड़ी, लवेरा, दिलवाड़ा सहित अन्य गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से समर्थन मांगा। इस दौरान स्थानीय विधायक राम नारायण गुर्जर, महासचिव देहात कांग्रेस एडवोकेट हरि सिंह गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य शरीफ मोहम्मद सहित कई लोग उनके साथ रहे। अजमेर के अराई में विधायक भागीरथ चौधरी ने गोठियाना गांव में किसान सेवा केंद्र और खुले तिवारे का उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान सरपंच ताराचंद किराड़िया ने ग्रामीणों के साथ विधायक को समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर लोगों की समस्याएं सुनकर साथ ही मौजूद अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया। अजमेर के रूपनगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत ग्राम पनेर के आंगनबाड़ी केंद्र में पानी के टैंक और दुरुदुंड में मेटबंदी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पनेर सरपंच मुकेश कंवर ने कहा कि जल कल का भविष्य है, जल को सुरक्षित रखना, संचय की आदत डालना समय की मांग है, हमें नीर की पीर को समझना होगा। झुंझुनू के बिसाऊ में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां अध्यक्ष अयूब खान एडवोकेट और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष डूंगरमल सैनी ने सरकार पर अन्नपूर्णा रसोई योजना की आड़ में सस्ता खाना नाश्ता देकर पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि इसके जरिए वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में गुणवत्ता में घटिया स्तर का खाना है, इस तरह का खाना खिलाकर सरकार आमजन को बीमार करेगी। चारों के सायला में तीखी ग्राम पंचायत में एसडीएम राजेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। इसमें ग्रामीणों ने पेयजल सप्लाई सहित गांव में खराब सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की। वहीं एसडीएम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पहाड़पुरा बस स्टैंड से महादेव मंदिर तक रोड बनाने के निर्देश दिए। सिरोही के रेवदर में उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाल में प्रधानाचार्य उर्मिला परिहार के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 9 की 105 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। चलिए खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर के बाद चल लौटे। बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव थाने की खबरों में। खबर कोटा के रामगंज मंडी से, जहां पर उपखंड के बुरनखेड़ी नूरपुरा के बीच चल रहे सड़क निर्माण को ग्रामीणों ने घटिया बताते हुए कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि डाबर की जगह जले हुए ऑयल का उपयोग सड़क बनाने में किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क जगह जगह से उखड़ती जा रही है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता रामकेश मीणा को मौके पर बुलाकर घटिया निर्माण से अवगत करवाया। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में एलुमिनी सोसाइटी के सदस्यों और पदाधिकारियों की बैठक प्राचार्य सतीश शर्मा की मौजूदगी में आयोजित की गई। सचिव डॉक्टर रवि कुमार विजय व खेम सिंह आर्य ने बताया कि बैठक में 20 दिसंबर 2017 को आयोजित होने वाले पूर्व छात्र मिलन समारोह और स्वर्ण जयंती वर्ष की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। चूरू के सरदार शहर में SFI कॉलेज इकाई का सम्मेलन किसान मजदूर भवन में हुआ, जहां पर सम्मेलन में महाविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इसी के साथ संगठन के पोस्टर का विमोचन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को निजी हाथों में बेचकर आम विद्यार्थियों से शिक्षा दूर और महंगी कर रही है। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने बालिका छात्रावास का लंबे समय के बाद प्राचार्य सतीश शर्मा ने फीता काटकर छात्रावास का उद्घाटन किया। राजगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में मुद्दा उठने पर सीएम ने छात्रावास को चालू करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद में कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र छात्रावास में प्रवेश चालू किया। झालावाड़ के अकलेरा में 12 में आयोजित मुख्यमंत्री की सभा में झालावाड़ से 50 रोडवेज बसें भेजी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। झालावाड़ बस स्टैंड पर भी यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके मार्ग की बसें प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी। बसों के अभाव में विभिन्न मार्गों के शेड्यूल निरस्त हो गए।
धौलपुर के राजाखेड़ा में 2000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी बल्लू को राजाखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 10 मुकदमे दर्ज हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के घटा गांव में एक मकान निर्माण के लिए नींव खुदाई के दौरान पड़ोसी के कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार ढह गई, जिसके कारण हरदेव की पुत्री माया की मलबे में दबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण का शुभारंभ कुड़िया कलाग पंचायत में हुआ। ब्लॉक स्तरीय अभियान का आगाज प्रधान राजमल खींची, सरपंच विष्णु कंवर तथा विकास अधिकारी कविता जसोरिया के सानिध्य में किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय में NH-68 पर लगी सौर ऊर्जा की सांकेतिक लाइट की प्लेट से चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार NH-6 पर चौराहे पर लगी सांकेतिक लाइट्स पर लगी सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी हो गई। वहीं चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिस कारण से ट्रांसमीटर प्लेट्स सहित अन्य छोटी मोटी चोरियां क्षेत्र में हो चुकी हैं। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध खनन में प्रयुक्त ट्रैक्टर डंपर आदि अवैध खनन सामग्री रेती की खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं, मगर प्रशासन और पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं खनन विभाग भी इनसे कोसों दूर बैठा है, जिसका फायदा अवैध खनन माफिया उठा रहे हैं। चारों की चितलवाना में भैंस चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय के आगे चल रहा धरना जारी है। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अगड़ावा निवासी मेवाराम की 3 भैंसें चोरी होने का मामला चितलवाना थाने में दर्ज करवाया था। इस दौरान आरोपी रसूल खान ने भैंस चोरी की वारदात को कबूल किया था। पाली के मावट जंक्शन में साक्षर भारत मिशन के तहत झांझरिया हनुमान मंदिर में नव साक्षरों का सम्मेलन प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा महिला जिलाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित और उपाध्यक्ष रेखा जैन ने नव साक्षरों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर प्रवेश पर स्वागत किया। पाली के मावट जंक्शन में ट्रैक्टर के असंतुलित होकर गिरने से एक बालक सहित 2 व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे ही दब गए। जेसीबी चालक मोहनलाल सूर्यनगर ने तत्परता से कार्य करते हुए दोनों युवकों को जिंदा निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जोधपुर के लोहावट में अल सुबह एक मकान का ताला तोड़कर इंटरलॉक होने के कारण अंदर नहीं जा सके। अभी हाल ही में हुई चोरियों में सभी जगह दरवाजों को कटर से काटा गया था, फिर भी छोटा सुराख कर अंदर से खोला गया। इसमें 3 जगह पोस्ट ऑफिस, जाटावास व विष्णावास में हुई वारदातों में कई दरवाजों में इंटरलॉक ताले होने से काफी सामान चोरी होने से बच गया। भीलवाड़ा के पुलिया कला में 1 महीने में 3री बार चोरी की ये वारदात हुई। एक दुकान सहित 3 घरों में चोरी की 10 तोला सोने के जेवर, 2 किलो चांदी और नकदी चोरी कर ले गए। पाली के सोजत सिटी में खारिया नईब ग्राम पंचायत के चामड़िया गांव में मुख्य मार्ग पर हो रही सीसी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के मजदूरों द्वारा सरकारी नाप के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। पाली की रानी में पंचायत समिति के घेनड़ी से सावलता तक सड़क पर चल रहा पैचवर्क कार्य का रानी प्रधान नवरतन फूसाराम चौधरी ने निरीक्षण किया। सड़क का पैचवर्क कार्य होने से सड़क में पड़े गड्ढों से सड़क से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों को राहत मिल पाएगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मारवाड़ से खारडी गांव तक हस्ताहाल सड़क मार्ग को लेकर श्री साईं दर्शन सेवा संस्थान ने प्री लिटिगेशन प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। यह संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि निविदा जारी होने के बाद भी देरी करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर PWD विभाग से जल्द कार्य शुरू करने की मांग की गई। पाली के मावड़ जंक्शन में राणावास में श्री जैन तेरापंत महिला BEd BSPC महाविद्यालय में आयोजित अभिनव चेतना शिविर के दूसरे दिन छात्राध्यापिकाओं को हेलमेट की अनिवार्यता की सीख दी गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जबर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जीवन में अनुशासन आवश्यक है। CI बुद्धाराम चौधरी नए यातायात नियमों की जानकारी उन्होंने दी। पाली के मावट जंक्शन में कंटालिया की टूटी पड़ी सड़कों को लेकर ग्रामीणों द्वारा आज से भूख हड़ताल की गई। यहां आदित्य मौर्य ने बताया कि कई वर्षों से टूटी सड़कों और अन्य मार्गों को लेकर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। यहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड के न्याजोलार कस्बे में 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले श्री क्षत्रिय युवक संघ के 72वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हिम्मत सिंह म्याजलार ने बताया कि संघ के स्वयंसेवक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण देंगे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर और शक्तिपीठ आश्रम जयपुर की प्रमुख साध्वी समदर्शिका विहिप बजरंग दल और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
बीगौद में आयोजित हिंदू जागृति सभा को संबोधित करने के लिए बिचौलिया से गुजरते समय विहिप कार्यकर्ता विनोद सोनी के आवास पर विहिप के केंद्रीय मंत्री और साध्वी समदर्शी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जोधपुर के बाप में राजसमंद लाइव मर्डर मामले में आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली मुख्य बाजार से रवाना होकर एसडीएम कार्यालय पर संपन्न हुई। रैली में आरोपी को फांसी देने, देश में अमन शांति कायम रखने, कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद लिखी तख्तियां लिए हुए ग्रामीण शांतिपूर्ण शामिल हुए। इसके बाद एसडीएम सुमित्रा पारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के हलैना में सांसद बहादुर सिंह कोहली ने दौरा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई। इसी के साथ जिला भरतपुर में हुए विकास कार्यों की सराहना की गई। चूरू के सुजानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत प्रांतीय उपाध्यक्ष गुरुदेव गोदारा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर स्कूलों को ट्रिपल पी मोड पर देने का विरोध जताया। ज्ञापन में ग्रामीण शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार की ओर से ट्रिपल पी मोड पर देने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।